आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया कि यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l, तो इसका मास है कैपिटल m और इसका लेंथ है l, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि अगर आपने इसके एक एंड को, अगर हमने एक एंड को कैपिटल फोर्स F से हिट किया तो किसी टाइम इंटरवल t के लिए, तो आपको बताना है स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो देखो होगा क्या कि फोर्स इंटू टाइम क्या होता है, इट इज इक्वल टू डेल्टा पी, तो इसकी वैल्यू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। और अगर टी की वैल्यू बहुत कम है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स। इम्पल्स इज इक्वल टू इम्पल्स व्हेन टी इज वेरी वेरी स्मॉल। तो ये बात अगर हमें पता है तो आपके पास सिंपल सी इक्वेशन आ जाएगी कि एफ इंटू टी विल बी इक्वल टू एम इंटू वी सी एम। तो वी सी एम की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, एफ टी बाई कैपिटल। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट आंसर, ठीक है। सेकेंड उसने पूछा है कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो देखो जब आपने बी पार्ट में क्या है कि ये जो रॉड है, जब आपने इस रॉड को हिट किया किसी फोर्स एफ से तो इस सेंटर के अबाउट रोटेट करेगी, तो इसको जो एंगुलर इम्पल्स मिला होगा, एंगुलर इम्पल्स, उसकी वजह से इसके पास रोटेशन आएगा। तो एंगुलर इम्पल्स विल बी इक्वल्स टू आई ओमेगा, यानी कि एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर इम्पल्स विल बी इक्वल्स टू आई ओमेगा यानी कि एल पी एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ से देखो एंगुलर इम्पल्स कितना होगा, एफ इंटू टी इंटू एल बाई टू, ये हो गया आपका एंगुलर इम्पल्स। और आई कितना होगा इस एक्सिस के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व सेंटर ऑफ मास के अबाउट इंटू ओमेगा। तो ओमेगा यहाँ से आ जाएगा एल एल कैंसिल, सिक्स एफ टी बाई एम एल। तो ये आपके बी पार्ट का आंसर हो गया। सी पार्ट में आपसे देखो क्या पूछा है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड पता करना है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड जो होगा उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड में रोटेशन भी होगा और ट्रांसलेशन भी होगा। तो जो रोटेशन के लिए होगा उसके लिए तो होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ट्रांसलेशन के केस में हो जाएगा हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर। तो आई की वैल्यू कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व। ओमेगा आपको ऑलरेडी दिया गया है, सिक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस का हाफ कैपिटल एम। वी जो है वो है एफ टी बाई एम, तो एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्या क्या कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ से देखो एल स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, एक एम से एक एम कैंसिल, और ये 36, ये हो जाएगा 36, तो 12 थ्री जो 36, तो ये हो जाएगा 3 बाई टू एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम प्लस का, यहाँ देखो एम से एम कैंसिल, एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाई टू एम, ठीक है कैपिटल एम। तो दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2 एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाई कैपिटल, ठीक, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड। तो ये आपका हो गया तीसरे पार्ट का आंसर। तो देखो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिर्फ देखो पहले में क्या था कि पहले में उसने इम्पल्स का यूज किया, दूसरे में उसने एंगुलर इम्पल्स का यूज किया, और तीसरे में उसने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले का यूज किया, ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, कई बार जी एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक ऑप्शन में इम्पल्स का यूज किया जा सकता है, दूसरे ऑप्शन में एंगुलर इम्पल्स का, तीसरे ऑप्शन में ऐसा यूज, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि कई सारे कॉन्सेप्ट चेक करते हैं, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।